Good morning. I'm Dr. Anand Pandey, Director of Cardiology and Senior Consultant, Narayan Hrudayalaya, Dharamshila Super Specialty Hospital. आज हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है हार्ट डिजीज़ की, और जब हम लोग हार्ट डिजीज़ कहते हैं तो इसमें बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनमें हार्ट अटैक और जो भी हार्ट की नसों को ब्लॉक करने से डैमेज होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे. इंडिया 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, बट हार्ट डिजीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन है. यहाँ पे लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करीब 30 लाख लोग पर ईयर दे आर लूजिंग देयर लाइफ बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज़, और करीब 3 करोड़ लोग हैं जो हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं. एक बहुत बड़ा सबसेट है जो हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहा है. और अमेरिका से अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारी हार्ट डिजीज़ है इट्स अफेक्टिंग यंगर पॉपुलेशन. बिफोर 40 ईयर्स की एज में 10% पेशेंट्स ऐसे, 10% पॉपुलेशन है जो हार्ट डिजीज सफ़र कर रही है. अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें तो ये पॉपुलेशन सिर्फ 2% है. ये विच इज़ मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ लाइफ, फोर्थ डिकेड इज़ वेन एवरी थिंग इज़ अनसर्टेन. डॉक्टर सज्जल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग आते हैं एंजाइना और चेस्ट पेन. वट इज़ योर ओपिनियन अबाउट एंजाइना एंड हाउ शुड दे डिफ्रेंशिएट कि एंजाइना है या हार्ट डिजीज़ है ये? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम डॉक्टर सज्जल गुप्ता, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली. एंजाइना, व्हेन वी कॉल एंजाइना, इट इज़ एक्चुअली द टिपिकल चेस्ट पेन ऑफ हार्ट डिजीज. इट इज़ कॉल्ड कॉरिनरी आर्टरी डिजीज. दिस पेन यूजअली स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट. द पेशेंट यूजअली डिस्क्राइब्स दैट दे हैड अ सिवियर पेन, रिट्रोस्टर्नल और इट मे बी अ स्क्वीजिंग टाइप. Usually it radiates to left side of shoulder or arm. कई बार patients ये भी कहते हैं कि उनको pain हुआ और उसके बाद काफ़ी पसीना आ गया और घबराहट हुई. ये सब एक angina है. Angina equivalent कुछ वो symptoms है जहाँ पर exactly chest pain नहीं होता, but patients को nausea होता है, vomiting है, घबराहट है और suddenly a short of breathlessness. All these spectrum make it a typical chest pain of heart disease. If person experiences this chest pain while doing some exercise and it is relieved by a rest or a tablet, we label it as stable angina. But if this pain continues and the person has a severe pain, then it becomes a syndrome of acute coronary syndrome. यानी कि एक part हो जाता है जहाँ पर heart attack की संभावना बढ़ जाती है. इस हार्ट अटैक से की संभावना बढ़ जाती है. अब मैं डॉक्टर पांडे से रिक्वेस्ट करूंगा दैट ही विल डिस्कस व्हाट आर द वैरायटीज ऑफ एंजाइना एंड हाउ इट कल्बिनेट्स इनटू मेजर हार्ट अटैक, और अब कब हमें डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए. डॉक्टर सज्जल, एंजाइना का मतलब होता है पेन, और एक ट्रेडिशनली जब एंजाइना पेशेंट बोलता है तो उसका मतलब चेस्ट पेन से होता है, और वो अपने को मानता है कि वो हार्ट पेशेंट है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये कितना सीरियसली लेना चाहिए, कितना सीरियसली नहीं लेना चाहिए. बिकॉज अगर ज़रा सा भी मिस होगा एंजाइना, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. तो पेशेंट मस्ट नो कि एनी पेन एज यू हैव डिस्क्राइब्ड, कि रिट्रोस्टर्नल हो और स्क्वीजिंग हो, जॉ में पेन हो, गोइंग अप टू अम्बलाइकस, गोइंग टू बोथ शोल्डर्स, गोइंग टू बैक, आप 2 कदम चलने में यू आर फीलिंग ब्रेथलेस, स्वेटिंग हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है, ये सारी सिम्टम्स बहुत सीरियसली लेने चाहिए एंड यू मस्ट सीक इमीडिएट मेडिकल एडवाइस एंड अटेंशन. इसी के अपोजिट कुछ पेन होते हैं जो प्रिकिंग पेन होते हैं, लाइटनिंग पेन होते हैं. यू कैन लोकलाइज द पेन, एक पर्टिकुलर पॉइंट में हो रहा है, चलने पर आपको रिलीफ मिल रही है, या चलने पर कोई एक्जर्शन नहीं हो रहा है, कोई चेस्ट पेन वर्स नहीं कर रहा है, कोई सांस नहीं फूल रही, इसको हम लोग नॉन एंजाइनल चेस्ट पेन भी बोलते हैं. ये कॉमन रीज़न होता है हॉस्पिटल पे डॉक्टर के पास जाने का, बट देर इज़ नो हार्म कि अगर ज़रा भी डाउट है तो डॉक्टर पे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ए टिपिकल प्रेजेंटेशंस भी होते हैं जिनको हम लोग एंजाइना इक्विवेलेंट सिम्टम्स बोलते हैं. कि एंजाइना बिल्कुल चेस्ट पेन क्लासिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फटीग हो रहा है आपको, ब्रेथलेस हो रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि इनडाइजेशन हो रहा है, या स्वेटिंग आ रही है, या आप पहले 10 किलोमीटर चलते थे, आप अब थोड़ा चलने पर सांस फूल रही है. ये डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होते हैं, इनको एंजाइना इक्विवेलेंट सिम्टम्स बोलते हैं. तो भी मेडिकल अटेंशन एंड मेडिकल एडवाइस लेने में कोई नुकसान नहीं होता ये. एंड आई थिंक
काफ़ी कॉमन होता है जिसको हम लोग साइलेंट एमआई बोलते हैं कि कभी हार्ट अटैक हो गया और पता भी नहीं चला, वो उतना ही डेंजरस होता है जितना कि ऑब्वियस जिसको हम लोग ट्रेडिशनल हार्ट अटैक बोलते हैं। ये मैं डॉक्टर सजल आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट आर द कॉजेस हैं, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जिनसे हार्ट डिजीज होती है ये, एंड व्हाई अ लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज कॉन्ट्रेरी टू द डिजीज विच वॉज अफेक्टिंग द सिक्स एंड सेवेंथ डिकेड। राइट, when heart attack occurs, basically it happens due to blockages in the arteries. And for this blockage to occur, there are some processes which are occurring for years. So for that, we described as risk factors. So risk factors वो होते हैं which make a person prone for a disease. Heart attack के लिए cigarette smoking, high blood pressure, high blood sugar, ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्पेशली अ बैड कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ओबेसिटी, पर्सन बीइंग फिजिकली इनएक्टिव, एंड नाउ अ वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉज इज अ मेंटल स्ट्रेस। वेन एवर दीज कॉजेज आर प्रेजेंट, देर आर मोर लाइकली दैट द पेशेंट माइट हैव अ हार्ट डिजीज। सम कॉजेज लाइक दोज फैक्टर्स विच आर नॉन मॉडिफाइबल, फॉर एग्जाम्पल एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके परिवार में आपके पेरेंट्स या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हार्ट की प्रॉब्लम्स है तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मेल हैं तो उनको फीमेल से ज़्यादा होता है। अगर हमारी एशियन पॉपुलेशन है, इट इज़ कंपेयर टू यूरोपियन पॉपुलेशन, दे आर मोर लाइकली टू सफ़र। ये फैक्टर्स वो हैं जो इनहेरिटेड हैं, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट जो मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच आर रिलेटेड टू अवर लाइफ स्टाइल। So young patients, nowadays we are seeing lot of young patients, so we have to educate and aware them that it is the mental stress, it is a smoking starting at very early age, and it is a high blood pressure which are not treated on time. These factors, they usually lead to heart attacks even in the 30s or the 40s, which used to happen in 60s or 70s. So everybody should take adequate measures and should seek doctor advice in time. Now I would like to ask Dr. Pandey, how do you diagnose heart disease in OPD basis, and if a patient comes in emergency, at emergency basis? कोई भी patient हमारे पास आता है chest pain से या angina equivalent symptoms हो, उसको जरा भी doubt है कि उसको heart disease है, तो ये हमारी duty बनती है उसके doubts को clear करना, एक बार टाइमली डायग्नोसिस करना, क्योंकि अगर टाइमली डायग्नोसिस नहीं होगी तो टाइमली ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है। तो आई मीन देर इज़ अ समथिंग कॉल्ड गोल्डन आर इन हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है, पहला हमारा इंटरेक्शन होता है डिटेल हिस्ट्री का, डिटेल एग्जामिनेशन का, और ECG हमें तुरंत लेना चाहिए। ECG के फाइंडिंग्स के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो चुका है या इसको एंजाइना चल रहा है या इसका ECG नॉर्मल है। इन केस ऑफ हार्ट अटैक, जहाँ ST एलिवेशन MI बोलते हैं कि ECG में बहुत ग्रॉस चेंजेस हैं, उस पेशेंट को तुरंत काउंसिल करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि हार्ट अटैक है, कोई चिंता की बात नहीं है, आज की तारीख में बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ऐसे पेशेंट को हम लोग तुरंत डस्प्रिन की गोली देते हैं, एक स्टैटिन देते हैं, एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग होती है, ब्लड थिनर्स देते हैं, और अगर सुविधाएं हैं जो हमारे पास हैं यहाँ पे 24/7 हमारे पास प्राइमरी एंजियोप्लास्टी प्रोग्राम रन कर रहे हैं हम लोग, उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, और जो भी नस बंद है उसको हम खोल के हार्ट अटैक को हम लोग अवॉर्ड कर देते हैं। ऐसा करें तो मरीज का हार्ट का डैमेज बिल्कुल नहीं होता है, एंड आई थिंक उसका हार्ट इट गोज़ बैक टू ऑलमोस्ट नॉर्मल, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। कई बार पेशेंट आते हैं चेस्ट पेन है तो हिस्ट्री से लगता है कि नॉन कार्डिक पेन तो नहीं है, उसमें अगर ECG नॉर्मल आता है तो हम लोग सीरियल ECG लेते हैं, भाई एक ECG और करेंगे, क्योंकि 10-15% पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है, पहला ECG नॉर्मल भी आ सकता है, तो हमने दूसरा ECG लिया। अगर वो भी नॉर्मल आता है तो हम लोग कुछ कार्डियक मार्कर्स बोलते हैं जिनको कार्डियक एंजाइम्स बोलते हैं, जैसे ट्रोपोनिन आई है या CPK-MB है। अगर हमारे सीरियल ECG नॉर्मल हैं, मार्कर्स नॉर्मल है, ECG एको नॉर्मल है, इको भी करके देख सकते हैं कोई रीजनल वॉल तो नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो हम उसको OPD बेस पे फॉलो कर सकते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है टाइमली डायग्नोसिस करना, अनटाइमली इलाज करना। ECG हर पेशेंट का होना चाहिए जो भी हमारे पास OPD या एमरजेंसी में आ रहा है। डिपेंडिंग अपॉन ECG
डिपेंडिंग अपॉन हिज रिस्क प्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन हिज रिस्क फैक्टर्स, वी गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। फिर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, जैसे ट्रेडमिल होता है, एस्ट्रस इको होता है, CTNG होता है, उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रोफाइल हम लोग आगे लेके चलते हैं। कई बार पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कई पिछले साल कई बार मैं हॉस्पिटल जा चुका हूँ, हर बार डॉक्टर कहते हैं कि भाई हमारा हार्ट से पेन नहीं है, चेस्ट पेन, नॉन कार्डियक है, बट मैं आई वॉन्ट टू बी एश्योर्ड। अक्सर आते हैं पेशेंट, डॉक्टर साहब कैसे क्लियर करना चाहिए, ऐसे पेशेंट में हम जरूर एक बार बोलते हैं भाई एंजियोग्राफी आप करा लीजिए, अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो आपको हार्ट डिजीज़ नहीं है ये। तो आई थिंक टाइमली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन एंड मोर देन दैट इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एक भी पेशेंट हमारा हार्ट डिजीज़ हो और बिना इलाज के ना रह जाए। डॉक्टर सजल, मैं आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट इज़ एंजियोग्राम। अक्सर मरीज पूछते हैं डॉक्टर एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, बाईपास क्या है। तो इन मेरे अपने ओपिनियन में होते हुए एंजियोग्राफी हमारा फर्स्ट स्टेप है डायग्नोसिस का, उसके बाद तीन इलाज आते हैं, या तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट दें, या एंजियोप्लास्टी करें, या बाईपास करें। हाउ एज ए कार्डियोलॉजिस्ट यू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर पेशेंट? राइट सर, आई थिंक पब्लिक को ये अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एंजियोग्राफी एक परक्यूटेनियस टेस्ट है। जब हम परक्यूटेनियस कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जस्ट हम एक स्मॉल इंजेक्शन देते हैं, जो कि हाथ की नस से या एक जांग की नस से देते हैं। द पर्सन फील्स ओनली अ लिटिल बिट पेन विच इज़ ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। आफ्टर दैट वी इंसर्ट अ स्मॉल ट्यूब, थ्रू द ट्यूब वी टेक अ कैथेटर, एक नली पास की जाती है, बट पेशेंट्स को उसका एहसास नहीं होता। इट रीचेज टू ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, साइमल्टेनियसली वी गिव द डाई। सो वेन डाई क्रॉसेज द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, वी टेक एन एक्सरे विच गिव्स अ पिक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट विच आर कॉल्ड कॉरिनरी आर्टरीज। सो दीज कॉरिनरी आर्टरीज दे बिकम स्पेसिफाई विद एक्सरे एंड दी गिव अ पिक्चर वेदर द आर्टरीज आर नॉर्मल और वेदर दीज आर हैविंग सम ब्लॉकेजेस। अगर ब्लॉकेजेस होते हैं तो हम उसके बाद डिस्कस करते हैं कि अगर ब्लॉकेजेस कम हैं तो हम उनको मेडिकल थेरेपी पर रखते हैं, अगर ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो डिसाइड करना होता है कि एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होगी या बाईपास की ज़रूरत होगी। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, वी हैव अ बेटर बैकअप, सो 99% एंजियोग्राफी इज़ अ सेफ प्रोसीजर। लेस देन 1% केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एंजियोप्लास्टी इज अ ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, सो अगर कोई आर्टरीज ब्लॉक है उसको खोलने का प्रोसीजर इज कॉरिनरी एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी वी डू विद द सेम वे, वी पुट दैट स्मॉल ट्यूब, विद द स्मॉल ट्यूब वी टुक अनादर कैथेटर एंड फ्रॉम दैट कैथेटर अ वायर इज पास्ड अक्रॉस द ब्लॉक। इट इज़ यूजअली ओपन्ड फर्स्ट विद अ बलून एंड देन अ स्टेंट इज प्लेस्ड अक्रॉस द ब्लॉक, सो इट कीप द आर्टरी ओपन। आज की डेट में मेजॉरिटी एंजियोप्लास्टी स्टेंट के साथ की जाती हैं, बिकॉज पहले जब स्टेंट नहीं थे तो ब्लॉकेज खुलने के बाद वो बहुत जल्दी बंद हो जाते थे, बट स्टेंट लगने के बाद इट कीप द आर्टरी पेटेंट फॉर लॉन्ग टर्म, और उसके बाद कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। जब हम बाईपास की बात करते हैं तो बाईपास एक मेजर सर्जरी है जिसमें कि हमें चेस्ट ओपन करना होता है। इनिशियली पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में लिया जाता है। चेस्ट ओपन करने के बाद कुछ ग्राफ्ट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर ही आर्टरी से या पैरों की वेन से लिए जाते हैं, और उनको ब्लॉकेज के डिस्टली उनको एनास्टमोस कहें कि उसको लगा दिया जाता है, और उसके बाद चेस्ट क्लोज करके पेशेंट का एक रिकवरी पीरियड होता है जो कि एंजियोप्लास्टी से लंबा होता है। जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं वैसे वैसे एंजियोप्लास्टीज के टेक्निक, बाईपास की टेक्निक इम्प्रूव हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी भी पेशेंट्स को कहीं पे भी कोई कंसर्न है तो उसे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हमेशा हमारा क्राइटेरिया होता है कि पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर से हम प्रोसीजर उनके डिटेल पे डिस्कस किया जाए, सो उनको कहीं पे ये ना लगे कि ये बीमारी कहीं लाइलाज तो नहीं हो रही है या फिर आने वाले टाइम में उनका क्या होगा। डॉक्टर पांडे, मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ रिगार्डिंग एंजियोप्लास्टीज, या लोगों के कुछ कंसेप्शन या मिसकंसेप्शंस होते हैं रिगार्डिंग हार्ट प्रोसीजर। सबसे पहले हमें मरीज को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि ये कोई ऐसी बीमारी ही नहीं जिसका इलाज नहीं है। अगर हम 2020 की बात करें एंड पीछे 20 साल को देखें तो पूरी कार्डियोलॉजी चेंज हो चुकी है और दे आर वेरी पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर। तो मरीज को बहुत चिंता होती है कि डॉक्टर मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई, मेरी बाईपास हो गई, हाउ इज़ द लाइफ बियॉन्ड एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास।
तो वी हैव टू एश्योर कि योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी मच बेटर देन क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट ट्रीटमेंट. तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है मरीजों के लिए. अक्सर मरीज पूछते हैं डॉक्टर बैलूनिंग करेंगे कि छल्ला डालेंगे स्टेंट डालेंगे, तो उनको भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हमारे शायद बैलूनिंग से काम चल जाएगा, छल्ले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि बैलूनिंग एक शुरुआती प्रोसीजर था, जैसे जैसे कार्डियोलॉजी इवॉल्व हुई स्टेंट्स ने उनकी जगह ले ली. स्टेंट्स में भी आज की तारीख में वी हैव वन ऑफ द बेस्ट स्टेंट्स जिनको हम कहते हैं कि दवा लगे हुए छल्ले, ड्रग कोटेड स्टेंट्स. और एंजियोप्लास्टी जो बैलूनिंग जिसको बोलते हैं, कोई भी बैलूनिंग बिना स्टेंट के पूरी नहीं होती है. तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि बैलूनिंग से तो हम ब्लॉक को तोड़ते हैं, लेकिन आगे आर्टरी आपकी खुली रहे, पेटेंट रहे, उसमें स्टेंट डालना बहुत ज़रूरी होता है. ये बड़ा कॉमन सवाल होता है, डॉक्टर साहब दोबारा बंद तो नहीं हो जाएगा? तो वी मस्ट टेल द लिमिटेशंस ऑफ ऑल्सो मेडिकल साइंस कि 95% ये पेटेंट रहते हैं ये, बट 4-5% लोगों में ये दोबारा बंद भी हो जाते हैं. लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखेंगे, रेगुलर चेकअप्स करेंगे, मेडिसिन को टाइम पे लेंगे, तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ये. तो एंजियोप्लास्टी, बाईपास और ये सब आपकी लाइफ सेविंग सर्जरी है. ये नॉट ओनली लाइफ सेविंग, दे आर प्रोलॉन्गिंग द ड्यूरेशन ऑफ, तो नॉट ओनली इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ बट क्वान्टिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो. तो ये बहुत ज़रूरी प्रोसीजर्स होते हैं. पेशेंट को बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है हम एज ए डॉक्टर्स, हम लोगों से फैमिली की काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको मरीजों से मिलवाना चाहिए जो इस प्रोसीजर से अच्छे से जा चुके हैं, जिनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है. ये तो मुझे लगता है कि देर इज़ अ लॉट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डॉक्टर एंड दे एक्सपेक्ट कि हमारे जो भी क्वेरी हैं, कई बार हमें लगता है कि भाई इस क्वेरी की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वी मस्ट आंसर ऑल द पॉसिबल क्वेरीज सो दैट दे आर मेंटली एट कम्फर्ट जोन. अक्सर सवाल आता है डॉक्टर साहब एंजियोप्लास्टी होगी उसके बाद क्या करना चाहिए, बाईपास हो गया उसके बाद क्या करना चाहिए? तो पोस्ट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है. पोस्ट केयर में दवाइयाँ टाइम से लेना और रेगुलर ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है, आपको डॉक्टर के पास इसलिए मिलना पड़ेगा कि आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर सजल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार पेशेंट्स आते हैं कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ डॉक्टर साहब, मैंने दवाइयाँ बंद कर दी हैं, और सारे स्टेंट्स की पेटेंसी उन दवाइयों की वजह से होती है ये. तो वी मस्ट इम्फेसाइज कि कोई भी दवाई चेंज करनी है, कोई भी मेडिसिन को ऑल्टर करना है, नहीं खाना है, ये डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक डॉक्टर सजल आपने भी देखा होगा कि पेशेंट डॉक्टर साहब हमने सब दवाइयाँ बंद कर दी हैं, हाउ डू यू एक्सप्लेन देम एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड? So I always tell my patients, or it is like every cardiologist say the same thing, that all medicines as advised by doctor, they should be continued. Patients ka ek initial concern rehta hai ki doctor sahab bahut sari dawaiyan hain, wo uske liye main aapko kehna chahta hu ki initially hum log kuch dawaiyan shuru karte hain, jaise jaise time pass hota hai, patient start improving, his functional capacity start improving, then we actually reduce the medication over a period of time. Some medication, they require lifelong, especially the medicines for blood thinner, for cholesterol, or if the person has high blood pressure or the high blood sugar. Some medicines, they can be stopped, which are especially given for angina or only for a chest pain. इसके साथ साथ हमें बाकी चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि हमें अपनी लाइफ को नियमित रखना, नियमित चेकअप एक फॉलोअप का पार्ट हो जाता है. इसके साथ साथ मैं एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर के बाद के स्टे के बारे में कहना चाहता हूं कि अक्सर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमें कितने दिन रहना होगा, किस तरह से हमारे फिजिकल एक्टिविटी को हमें करना होगा. तो इनिशियली एंजियोप्लास्टीज के बाद 1-2 दिन आईसीयू स्टे, और उसके बाद 1-2 दिन रूम स्टे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है. डिस्चार्ज करने के बाद कि अगले 1-2 हफ्ते हमें एक लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी, जिसको कहते हैं होम बाउंड एक्टिविटी, केवल हमें वो करना होता है. उस दौरान हमें दवाइयाँ समय पर लेना. जहाँ से एंजियोप्लास्टी हुई है, अगर उस जगह पे कहीं कोई स्वेलिंग या कोई ब्लड कलेक्शन दिखाई दे तो उस पर ध्यान देना. उसके बाद डॉक्टर को पहली विजिट करना एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है. उस पहले विजिट के बाद हम पेशेंट की फंक्शनल कैपेसिटी को डिसाइड करके हम उनको फर्दर एडवाइस करते हैं कि आप इस तरह से आप अगर रूटीन वॉकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर 1-2 वीक्स यू कैन गो टू योर ऑफिस और यू कैन स्टार्ट योर जॉब. एंड आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर पांडे, हाउ कैन वी प्रिवेंट
दिस कॉरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट अटैक इन अ कम्युनिटी? वेरी राइट डॉक्टर सजल, हम लोगों का सारा फोकस बीमारी को ठीक करने में रहा है और बहुत कम अटेंशन दिया गया प्रिवेंशन पे. आई थिंक प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. अगर हम प्रिवेंट करें तो वी कैन सेव मेनी लाइव्स, वी कैन सेव मेनी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो. बहुत बड़ा एक तबका है जो यंग पॉपुलेशन का है. आई रिमेंबर मैंने जो यंगेस्ट पेशेंट था जिसकी एंजियोप्लास्टी की थी, वॉज 19 ईयर ओल्ड. तो कई बार बड़ा दुख भी होता है कि 19-20 ईयर्स की एज में एंजियोप्लास्टी है. ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ कोई अच्छी नहीं है, बट यस, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेना, ये सब करना, उससे अच्छा है कि आप बीमार ना हो. दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन. व्हेन आई टॉक ऑफ प्रिवेंशन, तो आपने जैसे कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स बोले थे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है. फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जेनेटिक्स प्लेज ए ह्यूज रोल इन हार्ट डिजीज़. और जब फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं तो उसमें हमेशा देखना चाहिए कि मदर या फर्स्ट डिग्री फीमेल रिलेटिव हैं अगर उनको हार्ट डिजीज़ थी 65 की एज के पहले, या फादर हैं या फर्स्ट डिग्री मेल रिलेटिव हैं जिनको हार्ट डिजीज़ थी 55 के पहले. ऐसे पेशेंट्स जिनके यहाँ ऐसी फैमिली हिस्ट्री रही है, दे मस्ट बी लिटिल मोर केयरफुल फॉर प्रिवेंटिव चेकअप्स. मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे स्मोकर हैं. एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो इधर हमने देखा है कि फिजिकल इनएक्टिविटी और बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना, दूसरा लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इनटेक एंड स्ट्रेस. ट्रेडिशनली कहते हैं हरी करी एंड वरी, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट 30-45 मिनट तक एक ब्रिस्क वॉक होना बहुत ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें करें और रेगुलर चेकअप में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर 25 ऑफ एज, 25 साल के बाद एक रूटीन कार्डियक चेकअप जरूरी होता है जिसमें ECG है, ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है. अगर ज़रा भी डाउट आता है तो इको एंड ट्रेडमिल, ये सारी चीज़ें करें. आई थिंक हम बीमार होने से बहुत पेशेंट्स को बचा सकते हैं. तो आई ऑलवेज से लेट अस मूव फ्रॉम प्रिवेंट डिजीज ट्रीटमेंट टू प्रिवेंटिव पार्ट, ताकि हम लोगों को बीमार होने से बचा सकें. आई थिंक डॉक्टर सजल, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? फाइनली आई वुड लाइक टू से बी एक्टिव एंड बी हैप्पी. थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग. थैंक्स सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.